नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि महिलाओं की किन गलतियों की वजह से घर बर्बाद हो जाता है। इसी के साथ जानेंगे कि कौन सा वह एक काम है जो अगर आपके घर की महिला भी करती है तो आपको मालामाल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। ऐसे में पति जल्दी ही अमीर हो जाता है। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से कार्य है जो महिलाओं को पीरियड के समय कभी भी नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घर में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं, जो कि रसोई पकाना भी इन्हीं कामों में शामिल है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है और आप घर में अकेली महिला हैं, तो क्या उपाय आप कर सकती है जिससे कि आप उसके दौरान भी खाना बना सकती है? यह सब मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगी, तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। औरतों के ऐसे ढंग पति को रातों रात करोड़पति से रोडपति बना देते हैं। साथ ही साथ जब घर में होने लगे यह गलतियां तो आपको गरीब होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। दोस्तों, हर व्यक्ति के सुख समृद्धि ऐसी स्त्री पर निर्भर करती है जो घर के सारे काम करें और सभी का ख्याल रखें। लेकिन साथ ही कुछ ऐसे काम हैं जो महिलाओं को नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर माँ लक्ष्मी कभी भी नहीं आती। मेरे साथियों, प्राचीन काल से ही घर की बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि एक स्त्री घर को स्वर्ग या नरक बना सकती है। हमारे शास्त्रों में घर की बहु बेटियों की कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताया गया है जिनकी वजह से ही खुशहाल परिवार नरक के समान हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि कौन सी वह गलतियां हैं जिनके कारण करोड़पति घर भी कंगाल हो जाता है। दोस्तों, जिस घर की महिला अपने बाल कमर से नीचे रखती है तो यह सब शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि बाल हमेशा कमर से ऊपर रहने चाहिए, वरना इस वजह से भी आपको दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। और साथ ही शास्त्रों में यह सब अशुभ बताया गया है और स्त्री को हमेशा अपने बाल बांध कर ही रखने चाहिए। दोस्तों, अगर घर की महिलाएं खाना खाते समय पानी लाती हैं तो वह घर कभी भी बर्बाद हो सकता है। महालक्ष्मी क्रोधित हो जाती है, परिवार में तनाव आता है, किसी बड़े मुखिया की नौकरी छूट सकती है। चूल्हे पर झूठे बर्तन रखने या कढ़ाई को झूठी ही रखकर सो जाने से घर में लक्ष्मी कभी नहीं आती। ये गरीबी और दुखों का बहुत बड़ा कारण है। इसीलिए रात को झूठे बर्तन नहीं रखनी चाहिए, उन बर्तनों को उसी वक्त धो देना चाहिए, क्योंकि यह बर्तन श्राप देते हैं। जिस घर की महिला रात या शाम को झाड़ू लगाती है उसके घर में दरिद्रता आती है, इसीलिए इस आदत को छोड़ दें। और साथ ही खासकर बृहस्पतिवार के दिन पोछा नहीं लगाना चाहिए और बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बृहस्पति जब कमजोर पड़ता है तो घर में विनाशकारी गरीबी आती है। अगर किसी घर की महिलाओं को देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने की आदत है तो वह घर और परिवार के लिए अशुभ हो सकता है। देर रात तक सोने वाली स्त्री अपने पति और उसके परिवार और ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनती है। परिवार में किसी की मृत्यु भी हो सकती है। जिस घर की महिला सुबह उठकर अपने घर का आंगन साफ नहीं करती, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी नहीं आती। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी छिड़कना चाहिए और साफ सफाई कर लेनी चाहिए और तुरंत पूजा पाठ कर लेना चाहिए। सही मायने में महालक्ष्मी ऐसे ही घरों में वास करती हैं। महिलाओं का गाली देना या तेज आवाज में बोलना पूरे घर को श्राप लगता है। ऐसी महिला जहां भी होती है, महालक्ष्मी इनसे कोसों दूर रहती है। एक शादीशुदा महिला को अपना मंगलसूत्र, छुरी, कान के कुंडल, पैरों की बिछिया और पायल कभी भी उतार कर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से पति की मृत्यु हो सकती है और लक्ष्मी भी उल्टे पांव चली जाती है, क्योंकि जिस घर में स्त्री की पायल खनकती है वहां पर देवी लक्ष्मी का वास स्थायी रूप से होता है। दोस्तों, आपको यह नहीं मालूम होगा कि औरत को कैसे सोने पर सबसे जल्दी अमीरी आती है। दोस्तों, जब औरत रात के समय ऐसे सोती है तो शास्त्र कहते हैं कि वह घर करोड़पति कभी भी बन सकता है। ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि महिलाओं के कैसे सोने पर सबसे जल्दी कामयाबी मिलती है। महिला जब ऐसे सोती है तो यकीन मानिए, आपको अमीर होने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, सबसे खास यही वह कार्य है जो अगर आपके घर की महिलाएं करती हैं तो आप जल्द ही मालामाल हो सकते हैं।
तो आइए जानते हैं इन बातों के बारे में जो कि शास्त्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है। किसी भी महिला को बेवजह देर रात तक नहीं जागना चाहिए, ऐसा करने से दोष लगता है, इसलिए जल्दी सोकर सुबह जल्दी उठना चाहिए। धर्मशास्त्रों के अनुसार, चाहे आपका कोई भी धर्म के क्यों ना हो, जहां पर महिलाएं अपना ज्यादा समय सोने में बिताती हैं, तो वहां पर कभी भी राहु केतु और शनि की दृष्टि पड़ सकती है। सही मायने में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो महिला हमेशा सारा समय सोने में बिताती हैं, तो उससे देवी देवता भी क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए सीमित मात्रा में ही सोना चाहिए, क्योंकि ज्यादा सोना धन की हानि और बीमारी को न्योता देने के बराबर है। और हाँ दोस्तों, जब आप रात में सोने के लिए बिस्तर पर जाएं, तो नकारात्मकता से भरी बातों का जिक्र बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है और आपके सपने में आकर आप पर हावी हो सकती है। सोते समय मन में अच्छे विचारों को लेकर सोना चाहिए, इससे हमें कामयाबी मिलती है। दोस्तों, मंगलवार, शनिवार और बृहस्पतिवार के दिन जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने की कोशिश करें, वरना यह समय आपका विनाश कर सकता है। शास्त्रों में स्पष्ट बताया गया है कि इन दिनों में देर से उठने वाले व्यक्ति पर सारे दोष लगते हैं जो उसे बर्बाद कर सकते हैं, इसलिए इन दिनों में आपको जल्दी जरूर उठना चाहिए। दोस्तों, जब कोई महिला पूर्व या दक्षिण दिशा में सिर करके सोती है, तो पूरा परिवार धन धान्य से भर जाता है और खुशियां घर में ऐसे आती हैं जैसे मानो बरसात का पानी। तो इसी दिशा में ही पुरुष या महिला दोनों को ही सोना चाहिए। अब दोस्तों, आखिर महामारी के दौरान यानी पीरियड के दौरान महिलाओं को कुछ काम नहीं करने चाहिए, वरना ऐसे घरों से देवी देवताओं का जाना तय है और ऐसे घर में भयंकर गरीबी और दरिद्रता अपना आवास बना लेती हैं। तो मेरे साथियों, महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान देवस्थानों को छूना नहीं चाहिए, पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए और इसी के साथ रसोई में खाना भी नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में यह सब करना वर्जित माना गया है। तो मेरे साथियों, अगर आज की यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जाते जाते कमेंट्स में अपने राशि के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद दोस्तों।